अरब देश कतर ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी देने की सजा सुनाकर भारत देश को चौंका दिया है। बात इतनी बड़ी है कि इसके लिए भारतीय मंत्रालय को सामने आना पड़ा। आपको बता दें कि कतर देश की तरफ से इन सभी अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लगे थे। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले पर भारत सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम सभी अधिकारियों के परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं। इसके साथ ही कानूनी विकल्प की तलाश की जा रही है और साथ ही कानून ये मामला काफी महत्वपूर्ण मानते हुए हम इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। अधिकारियों को काउंसलर और कानूनी सहायता देना जारी रखेंगे और फैसले को कतर के अधिकारियों के सामने भी उठाएंगे। आपको बता दें कि कतर सरकार ने जिन 8 लोगों को सजा सुनाई है वो सभी भारतीय नौसेना में अलग अलग पदों पे काम कर चुके हैं। गिरफ्तार किए गए पूर्व अधिकारियों के नाम हैं कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर प्रेनेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगनुकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और सेलर राकेश। आपको बता दें ये सभी अधिकारी डेहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहे थे। ये एक निजी कंपनी है जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ी मदद प्रदान करती है। सभी पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने पिछले साल 30 अगस्त को गिरफ्तार किया था। उन पर जासूसी के आरोप लगाए गए थे और भारतीय दूतावास को इन सभी की गिरफ्तारी की जानकारी उनको सितंबर महीने में दी गई थी। भारत सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए कहा कि हम इस मामले में हर संभव मदद करेंगे और इस मामले की डिटेल कॉपी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद हम इस मामले में जरूरी और हर संभव कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए टिप्पणी करना कोई जरूरी नहीं है। आधिकारिक भारतीय सूत्रों के हवाला देते हुए न्यूज एजेंसी NI ने बताया है कि इस मामले को भारतीय एजेंसियां उच्चतम स्तर पर उठाएंगी, लेकिन कतर सरकार ने इस केस में नरमी का कोई संकेत नहीं दिखाया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए अर्थ प्रकाश टीम के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।